हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस अब जो हम एमएमटी परफॉर्म करने वाले हैं ये एल्बो फ्लेक्शन के लिए। तो गाइस एल्बो फ्लेक्शन में तीन मसल्स मेनली काम करती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। इसमें बाइसेप्स, ब्रैकियाई जो ब्रैकियोरेडियलिस रहती है वो, और जो हमारी ब्रैकियलिस रहेगी वो। तो तीनों मसल्स बराबरी से काम करती हैं। अब उसके लिए गाइस देखिए पेशेंट पोजिशन रहेगी सिटिंग, सिटिंग के बाद आपको सिर्फ रेसिस्टेंस कैसे कैसे लगाना है उसमें हमारा जो एल्बो रहता है उसकी पोजिशन चेंज रहेगी। अगर हम लोगों को बाइसेप्स ब्रेकियाई चेक करना रहता है तो क्योंकि बाइसेप्स ब्रेकियाई शोल्डर जॉइंट मसल भी है और एल्बो जॉइंट भी है, तो हम हाथ यहाँ पे रखते हैं और पेशेंट को एल्बो फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं। इसमें भी आप दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं या आप एक हाथ से पेशेंट का जो एल्बो है वो होल्ड कर लें और फिर आप पेशेंट का जो एल्बो है, एल्बो के आगे जो हमारा ये फोरआर्म है, आप पेशेंट को बोलेंगे कि एल्बो फ्लेक्स करेंगे तो आपको रेसिस्टेंस आप प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पर मसल्स को चेक कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत में आपको बता देता हूँ कि ब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई और ब्रैकियोरेडियलिस को चेक करने के लिए पोजीशन सिर्फ डिफरेंट रहेंगी, वो रहेगी हमारी फोरआर्म की। कैसे? अगर आपने 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्स कराया हुआ है और सुपिनेशन में हैंड है तो आप बाइसेप्स ब्रैकियाई चेक कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री मिड प्रोन पोजीशन है तो आप ब्रैकियोरेडियलिस चेक कर रहे हैं, और अगर पूरा का पूरा हमारा प्रोनेटेड हैंड है तो फिर आप ब्रैकियलिस चेक कर रहे हैं। आपको तीनों ही पोजीशन में सेम जगह से रेसिस्टेंस लगाना है, वो है यहाँ से रिस्ट के पास से। तो आपको जो पेशेंट है हमारा वो रिस्ट जो एल्बो है उसको फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा और आपको एल्बो को एक्सटेंड करवाने का पूरा ट्राई करना है। अब देखिए पेशेंट पोजीशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये पेशेंट पोजीशन है, मैंने पेशेंट को होल्ड कर रखा है। अब मैं पेशेंट को बोलूंगा कि वो एल्बो को अपना फ्लेक्स करें और अपनी पूरे बाइसेप्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, आप अपने हैंड को मोड़ने की कोशिश करिए, मैं आपको रोकूंगा। ठीक है, पहले आप एक बार करके दिखाइए, खुद से करिए। देखिए गाइस पेशेंट ये आराम से कर पा रहा है तो ये ग्रेड 3 है। ठीक है, वापस नीचे करिए। अब देखिए मैं मिनिमम रेसिस्टेंस लगाऊंगा। ठीक है, वापस फ्लेक्स करने की कोशिश करिए। हाँ बढ़िया, देखिए गाइस ये ग्रेड 4 है, बढ़िया सीधे कर लीजिए वापस। अब देखिए मैक्सिमम रेसिस्टेंस लगाऊंगा। ठीक है, वापस मोड़िए। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। देखिए गाइस ये ग्रेड 5 है। अब गाइस ये मैंने सुपिनेशन में हैंड किया है तो बाइसेप्स के लिए है। अगर मैं इसको प्रोन पोजीशन में करूंगा तो ये ब्रैकियलिस के लिए हो जाएगा, सेम रेसिस्टेंस यहीं से लगाना है। और अगर मिड प्रोन पोजीशन से करेंगे और मैं यहाँ से रेसिस्टेंस लगाऊंगा तो ये ब्रैकियोरेडियलिस के लिए है। सो गाइस पोजीशन सेम ही रहेगी, बस आपको हैंड को कैसे मूव करना है उस चीज पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मसल चेक कर रहे हैं, बाइसेप्स, ब्रैकियलिस या ब्रैकियोरेडियलिस। अब मैं आपको इसके ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 0 और बता देता हूँ। अब देखिए गाइस इसको करने के लिए क्या है, ग्रेड 2 को करने के लिए आपको जो एल्बो है वो 90 डिग्री एब्डक्शन में लेके आना रहेगा ताकि ये ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरिया में आ जाए। अब आपको एक हैंड जो है वो एल्बो को सपोर्ट करके रखना है और आपको अब इस पोजीशन में पेशेंट को बोलना है कि वो अपना एल्बो फ्लेक्स करें। ठीक है, आप अपना एल्बो मोड़ के देखिए। हाँ बढ़िया, देखिए गाइस ये जो हो रहा है ये इन्होंने आराम से करके दिखा दिया है इस पोजीशन को। तो ये जो गाइस ये जो इन्होंने किया है ये ग्रेड 2 है। अब गाइस ग्रेड 1 में क्या होगा कि ग्रेड 1 में आप जिस हैंड से यहाँ सपोर्ट करे हुए हैं उसी के आप थंब से क्या करें, आप बाइसेप्स को पाल्पेट करने की कोशिश करें, या ब्रैकियलिस को आपको करना है या ब्रैकियोरेडियलिस को करना है तो आप पाल्पेट करने की कोशिश करें, आपको उसमें फ्लेक्चर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। और अगर उसके बाद गाइस ग्रेड 0 है तो फिर आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस ये था हमारा एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन में मैंने आपको जैसे बताया तीन मसल्स काम करती हैं, बाइसेप्स ब्रैकियाई, ब्रैकियोरेडियलिस और ब्रैकियलिस।